इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर रोहित शर्मा अब हमें और आपको T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं नजर आने वाले हैं। आपको ये पता ही है कि रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप में खिताब जीतने के बाद इस फॉर्मेट के इंटरनेशनल सर्किट से रिटायरमेंट लिया। हिटमैन के T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से रिटायरमेंट के बाद अब उनके टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में रिटायरमेंट की चर्चा तेज होने लगी है। इस बीच इन अटकलों को तेज हो गई है और रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल के बाद अब वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में भी जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो क्या इन अटकलों से कोई सच्चाई है या रोहित शर्मा अब वाकई में जल्द ही सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने वाले हैं? इसका जवाब तो खुद रोहित शर्मा ने ही दे दिया है। हिटमैन ने साफ कह दिया है कि वो फिलहाल टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में खेलना जारी रखने वाले हैं। वो अपने गेम को खूब एंजॉय कर रहे हैं। हिटमैन से रिटायरमेंट की अटकलों को इस जवाब के साथ ही पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पिछले दिनों टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा को लेकर BCCI के सचिव जय शाह ने भी साफ किया कि रोहित शर्मा अगले साल होने वाले ICC टेस्ट चैंपियनशिप और ICC चैंपियन ट्रॉफी में टीम इंडिया की कप्तानी करते रहेंगे। ऐसे में हिटमैन के इस जवाब से इतना तो तय है कि वो अगले साल तक तो रिटायरमेंट नहीं लेंगे। अब सवाल ये है कि क्या वो 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं। इसे लेकर भी रोहित शर्मा के जवाब से तो कुछ लग रहा है कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आ सकते हैं। रोहित शर्मा के जवाब को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।